मुरादाबाद के छजर इलाके में रहने वाला एक युवक गांव की एक लड़की को प्रेम प्रसंग के चलते भगाकर ले गया था। प्रेमी के साथ भागी लड़के घर वालों पर आरोप है कि उन्होंने प्रेमी युवक के माता पिता का पहले अपहरण किया और बाद में उसकी बहन को भी बुलवा लिया और फिर कई दिन तक 8 लोगों ने प्रेमी युवक की बहन के साथ बारी बारी बलात्कार किया। आरोपियों के चुंगल से जैसे तैसे पीड़िता के माँ बाप छूटकर पुलिस के पास पहुँचे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता की तलाश शुरू कर दी थी। इसी दौरान मुरादाबाद के पुलिस अध्यक्ष ग्रामीण डॉक्टर विद्याशंकर मिश्रा का बयान सामने आया। पुलिस अधिकारी के मुताबिक गैंगरेप का शिकार पीड़िता खुद ही थाना छजेट पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस से कहा कि उसके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं हुआ और वह अपनी मर्जी से गई थी। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि पीड़िता ने मेडिकल कराने से भी मना कर दिया है और पीड़िता के एमएलए न्यायालय के सामने बयान करने के बाद लड़की को उसके माँ बाप से सुपुर्द कर दिया गया था। लेकिन अब लड़की के माता पिता ने पीड़िता के साथ सामने आकर पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता और उसके माता पिता का आरोप है कि पुलिस अपराधियों के हमसाज हो गई है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की। आरोपी उन्हें बराबर धमकी देते रहे और आज जब उनके अधिवक्ता ने न्यायालय से मेडिकल कराने के लिए अनुमति ली तो साथ आए पुलिसकर्मी ने अपने महिला पुलिसकर्मी के साथ से मेडिकल कराने वाले डॉक्टर और स्टाफ को रुपये भेज दिए, जिसको पीड़िता ने देख लिया और हंगामा कर दिया। पीड़िता के अधिवक्ता सुनील कुमार का कहना है वे इस मामले को न्यायालय के सामने रखेंगे। आज आप कहाँ आए थे? मेडिकल कराना। मेडिकल इतना लेट क्यों हुआ? पुलिस वाले नहीं कराना चाहते थे। पुलिस ना कराने चाह रही थी तो पुलिस क्यों नहीं कराना चाह रही थी? मुलजिमों से मिले हुए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अदालत के द्वारा हुआ फिर मेडिकल। अच्छा, अदालत के द्वारा आज आपका मेडिकल हो गया। वहाँ क्या क्या घटनाक्रम चला, थोड़ा बताओ। पैसे दे रहे थे पुलिस वाले। किसको पैसे? हाँ, दरोगा जी पैसे दे रहे थे, एक लेडीज थी। उन्होंने मतलब 500 को मुट्ठी भर के नोट दिए थे। फिर क्या हुआ? फिर वो पैसे ऐसे वकील साहब को बता दिया था, वो फिर इनसे लगा झगड़ने लगे। वो पैसे जो दरोगा जी ने महिला को दिए, महिला ने उन पैसों का क्या करा? आधे तो थोड़े तो दे दिए है। किसको दे दिए? अंदर डॉक्टर को। अच्छा, फिर? फिर आधे और देना जा रहा है तो इतनी देख लिया। कोई देख लिया था। फिर अब आपका मेडिकल हो गया, किसके द्वारा हुआ और आप क्या उम्मीद करते हैं? अदालत के द्वारा हुआ। अब क्या उम्मीद है आपको? इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिल जाएगा। एक तो तीन लोग थे, एक टीटू, एक अनूप और एक सर्वेश। उन्होंने किया तो आपकी लड़की को ले गए थे ये लोग? हाँ, ये ले गए थे ये घर से। जब उन्होंने लड़की वापस ले गई तो आपने रिपोर्ट लिखाई, क्या करा? लिखाई थी मगर हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई। रिपोर्ट लिखवाई थी, सुनवाई नहीं। हाँ। अच्छा, फिर उन्होंने मेडिकल कराया आपकी लड़की का? नहीं नहीं, कुछ नहीं। पुलिस मेडिकल कराना नहीं चाहती? नहीं चाह रही। क्यों नहीं चाहती थी? वो उनसे मिल गए थे। मिल गए थे? हाँ, उन लोगों से मिल गए थे। ये बताओ फिर क्या हुआ? फिर आपने जो है वकील साहब के द्वारा कोई अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था? हम लोग वकील साहब के तरफ से, हमने कोर्ट के तरफ से हमारा आदेश हुआ। हाँ। तो आज जो है आप नेहा को जो है लड़की को लेकर अस्पताल गई? अस्पताल गए थे, वहाँ पे हमारा उन्होंने दरोगा जी ने वहाँ पे पैसे देने की कोशिश करी। पैसे दिए? हम पैसे दिए थे वहाँ पे। हाँ। और हमने जो देखा था, हमने वकील साहब से बोला, वकील साहब ने उनको रोका। तो क्या करा वकील साहब से? वकील साहब से उन्होंने झगड़ा कह रहे थे, झगड़ा करने लगे, इस बात से नाराज हो गए। नाराज हो गए, झगड़ा करने लगे थे। हाँ, वकील साहब ने बहुत कहा था। इसका एक्सरे होना है? हाँ, अब इसकी बाहों का एक्सरे होना है। अच्छा, आपकी लड़की का मेडिकल हो गया? हाँ, हो गया। आज मेडिकल हो गया है। अब क्या उम्मीद लगती है आपको कोर्ट से? कोर्ट से उम्मीद, अदालत से उम्मीद पड़ रही है कि हमारा केस हो जाएगा, न्याय मिल जाएगा आपको? न्याय मिलेगा, ये भरोसा है आपको? हम भरोसा है आज हमें, अब तक कोई भरोसा नहीं था। अब तक पुलिस पे जो भरोसा नहीं है? नहीं था, आज से हमें कुछ भरोसा पड़ गया है। दरवाजे पे विपिन कुमार पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है हम पे। हमने आज जो उन्होंने नोट देने वाली हरकत करी, इससे क्या लगता है? 500 का नोट दिए था, हमें तो ये था कि आज भी हमारे साथ में ये गद्दारी कर रहे हैं। मेरे पास आया बलवीर सिंह, उसने बताया कि दरोगा जी विपिन कुमार मुझे मानते हम साथ हैं और हमने मुलजिम से, उसे अपनी बेटी से बात भी नहीं करने दे रहे हैं,
और अपने अनुसार धमका के उसे मुजरिमों के फेवर में बयान कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके बाद उन्होंने महिला कांस्टेबल से उसे डांट फटकार लगवाई, लड़की को धमकवाया और उससे कहा कि जो है तू मुजरिमों के फेवर में बयान दे और उनके खिलाफ बयान देगी तो तुझे हम जेल भेज देंगे। इसके बाद उस लड़की का अदालत में बयान हुआ। बयान के बाद, बयान से पहले लड़की का सरकारी अस्पताल में एक कागज़ पर साइन करा के लिख कर दे दिया पुलिस द्वारा कि मेडिकल कराना नहीं चाहती। इसके बाद बलबीर सिंह बाजी मुकदमा मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं कोर्ट में आपकी तरफ से प्रार्थना पत्र देकर मेडिकल कराने का आदेश करा दूंगा। आज पीड़िता कुमारी नेहा को पुलिस ने जिला अस्पताल मुरादाबाद पर बुलाया, जहां मैं भी गया और पीड़िता के साथ उसकी माँ व चाची उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। वहां पर पीड़िता और उसकी माँ ने मुझे बताया कि दरोगा जी ने कुछ पैसे महिला कांस्टेबल जो प्राइवेट ड्रेस में थी उसे दिए और उसके द्वारा जो है सरकारी अस्पताल के कर्मचारियों को पैसे दिए गए, लेकिन वकील साहब के रोकने पर वो वकील साहब से ही मुझसे ही मेरे रोकने पर मुझसे ही विवाद करने लगे। तो मैंने समझाया, मैंने कि झगड़ा मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह से समझा के और जो है मेडिकल उस लड़की का करा के मैं वापस आ गया। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसे कि आज मेडिकल हो गया है, लेकिन पुलिस का ये मुरादाबाद पुलिस का ये कहना था पहले भी कि इसके जो लड़की थी उसके पुलिस ने 164 के बयान कर दिए, क्या ऐसा होता है, वो बयान मान्य है? नहीं, लड़की का 164 का बयान मान्य, अगर मुजरिम के खिलाफ है तो मान्य ज़्यादा है, लेकिन अगर उसके पिता ने, क्योंकि वो नाबालिग है तो इसलिए उसके बयान की कोई वैल्यू नहीं है, बादी मुकदमा उसके पिता के बयान की वैल्यू है। तो सर, जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि उन बयान में कोई वैल्यू नहीं, अभी मेडिकल हो गया है, तो क्या इसके बाद में फिर दोबारा तो वो बयान होंगे, दोबारा कोर्ट में उसके लड़की का बयान होगा? कोर्ट में अगर वो कहती है लड़की के ये निर्दोष हैं और वादी मुकदमा भी कहते हैं निर्दोष हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, तभी वो जो है निर्दोष साबित हो सकते हैं, अन्यथा वो अपराधी है। अच्छा सर, जैसे कि आपके अभी आपने बताया कि आपके सामने आप मेडिकल कराने गए थे, वहाँ पुलिस को लेन देन चाहिए, सर आप कानून के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और ये भी सुनने में आया कि दूसरी पार्टी की तरफ से भी कुछ मुकदमा लिखाया गया है, तो सर कानून आपकी नज़र में जो ये सारे हैं इस तरह के लिखे गए हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, ये जो इस मुकदमे से संबंधित जहाँ तक बात है, ये मुकदमा इस मुकदमे की घटना 27-28 तारीख की थी। कुमारी नेहा की तरफ से जो मुकदमा बलवीर सिंह द्वारा लिखाया गया है वो 4 जुलाई 2021 को लिखाया गया, और उस जब पुलिस के द्वारा पीड़िता का बयान नहीं कराया गया, वो मेडिकल नहीं कराया गया, तो मजबूरन उसने न्यायालय में से आदेश करा के उसका मेडिकल कराया। अब ऐसी स्थिति में मुलजिम दोषी, मतलब अपराधी है। सर, जैसे कि मेडिकल हो गया है और मेडिकल होने के बाद में फिर एक चीज़ बताइए, 164 के बयान, वो तो बात की बात है, अगर ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो मतलब जिनके खिलाफ ये संगीन धाराओं में आरोप लगे हुए हैं, धाराएं लगी हुई, तो इनको सर इसके आधार पर कितने साल की सजा या कानून में किस तरह की सजाओं का प्रावधान है? इन्हें 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, अगर पास्को एक्ट इसमें रहेगी तो और भी अधिक सजा हो सकती है, जितने को एफ आई आर में दर्ज नाम है। हाँ।